राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, और मैं जा रही हूँ वॉकिंग पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। तो बस मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ और चैनल को बंद कर लूँगी बस, और जा रही हूँ वॉकिंग पे। और ये रास्ते का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा लाइए सुबह की ताज़ी हवा, हरियाली और पक्षी का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुबह का इस तरह का माहौल मन को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है। बस मॉर्निंग वॉक पे जाके उधर से मैं वापस आई थी, तो चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया और बस फिर लग गई अपने काम में। और ये ना, मतलब मैं सुबह इधर 15-20 दिन से नहीं जा पा रही थी और आज थोड़ा जल्दी जा गई, तो मैंने सोचा लाओ आज वॉकिंग भी चले जाते हैं, तो कल से अपने आप सही से आँख खुल जाएगी सही टाइम पे। हालांकि मैं इतना लेट नहीं उठती हूँ, बट मैं 6 बजे उठ रही हूँ आजकल, वैसे मैं 5 बजे उठती थी। तो अब लेकिन कल से थोड़ा और जल्दी जाऊँगी मॉर्निंग वॉक में और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वॉकिंग से आने के बाद में मैंने चाय पी, आधे घंटे का रेस्ट किया और बस मोटर चालू हो गई थी पानी की, तो ये बोले कि चलो तुम पेड़ पौधे पे पानी लगा लो और मैं कार वॉश कर लेता हूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बस फिर मैं पेड़ पौधे साफ़ करने लगी थी, धोने लगी थी, सब पानी देने लगी थी, और गैलरी भी धुली थी। तो बस सुबह से पानी लगा लिया है, वो हस्बैंड मेरी कार वॉश कर रहे हैं। और बस कुछ आज इस तरह से काम हमारा रूटीन शुरू हुआ है। एक्चुअली घर खुला खुला सा है, काफ़ी बड़ा सा है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और आप लोग देख सकते हैं गैलरी कितनी बड़ी है, पूरी खुली हुई है, बहुत धूल मिट्टी आती है। तो हर तीसरे दिन इसको धोना पड़ता है, आंगन को भी गैलरी को भी, बिना धुले मतलब सही नहीं रहता है कतई। तो बस और 8 बजे करीब मेरी हाउस हेल्पर आएगी, तो झाड़ू पोछा बर्तन कर लेगी और मैं भी फटाफट नहा लूँगी। और जब कभी मैं भी झाड़ू लगा लेती हूँ, जैसा मतलब लगता है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जल्दी नहाते हैं ना, वो पूजा करते हैं, तो फिर झाड़ू पोछा करना पड़ जाता है। तो बस फिर कुछ इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी सारे पेड़ों को पानी दे लूँगी और ये मिट्टी भी जो आ गई है ये सब पानी से बहा लूँगी, फिर वाइपर कर लूँगी पूरे में। और बस एक्चुअली आप लोग के यहाँ भी सब ऐसा ही होता होगा जैसे हम सब करते हैं, ये तो हर घर के रूटीन है और हर औरत को करना पड़ता है, आदमी औरत दोनों को भी करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और मैं रिंकन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बाके बिहारी फैमिली कनपुरिया ब्लॉग्स में। भूल जाती हूँ मेरा चैनल और मैं ही भूल जाती हूँ। और ये देखिए आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, कपड़े धो के मैंने रखे हुए थे, पूजा करके मैं फिर मैंने सोचा लाइए पूजा करके आई हूँ, अब कपड़े फैला लूँ, कपड़े भी सूख जाएंगे, अच्छे से धूप लग जाएगी, तो बस मैं कपड़े फैला लूँगी जल्दी जल्दी से। और अब थोड़ा मौसम भी बहुत अच्छा होने लगा है, मतलब अब गर्मी वो वाली भी नहीं है कि बहुत बेकार वाली गर्मी पड़ रही हो, बहुत अच्छी गर्मी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो बस जल्दी जल्दी कपड़े फैला लूँगी, फिर किचन में जाके दाल चढ़ाऊँगी और आटा गूँथूँगी। दाल में हल्दी और नमक डाल दिया है और बस अब सीटी लगा लेंगे। और चावल भीग रहे हैं ये देखिए, और आटा लगाना है। बर्तन का स्टैंड, रैक, जो भी कह लीजिए, इस तरह से मैं बर्तन सेट करके रखती हूँ, एक के नीचे एक करके रखती हूँ इस तरीके से, और जगह के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। और आटे वाली परात निकाल रही थी, देखिए आटे का दो लग गया है और देखिए परात भी बिल्कुल साफ हो गई है और मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ हैं, देखिए है। और बस हमारे घर में ना, हमारे मायके में भी थोड़ा सा आटा तोड़ के ऐसे लगा के और आटे के ऐसे पैर छूते हैं। आटा लगा के आ गई हूँ और दाल भी बन गई है। एक्चुअली बनाने जा रही थी मैं नारियल की सब्जी, कच्चे नारियल की सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। तो
अब वो सब्जी आज तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना आज मुझे कहीं जाना है और थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। नवरात्र आ रही है ना, तो नवरात्र की तैयारी भी करनी है, तो बस इसीलिए सोच रही हूँ सिंपल सा दाल चावल बना दूँ और रोटी, क्योंकि आज नाश्ते में वैसे भी आटे का हलवा बनाया था और पास्ता बनाया था। पास्ता बच्चे को पसंद है, हलवा भी पसंद है बच्चे को, उसे आटे का हलवा बहुत पसंद है। रवे का खा लेता है सूजी का, बट आटे का ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी भाई आटे का हलवा बना दो, तो मैंने कहा चलो भाई हलवा बना देते हैं आटे वाला। तो बस, तो जब ऐसा कुछ खा लो ना तो थोड़ा सा हैवी हो ही जाता है, पास्ता भी हो गया हलवा भी हो गया। तो मैंने कहा चलो फिर बढ़िया सी दाल फ्राई रोटी चावल सिंपल सा लंच और सैलेड। चलिए आज आपको कान्हा जी पहले दिखा दूँ, बहुत दिन से मैंने आपको कान्हा जी नहीं दिखाए अपने। ये देखिए मेरे कान्हा जी, और यहाँ ना इनको भी नाश्ता दिया था ना मैंने, तो ये देखिए कान्हा जी के चरण पादुका। एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी इसको चरण पादुका कहते हैं, तो मुझे याद आ गया। तो फिर ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल के चरण पादुका, ये देखिए, और ये मेरे लड्डू गोपाल, देखिए इनकी पगड़ी भी मैचिंग की है, इनकी पोशाक भी मैचिंग की है, और इनके चरण पादुका भी मैचिंग के हैं, और पता है ये कमरबंद भी पहने हुए हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये नहीं पता है। ये देखिए इनकी कमरबंद आई थिंक दिखनी चाहिए आपको, बहुत अच्छी कमरबंद लग रही थी मुझे अपने लड्डू गोपाल की। तो बस, और ना खाने का वीडियो अब नहीं शेयर करूंगी क्योंकि थकान भी लग रही है, जाना भी है, हेडक हो जाती है ना कहीं जाना होता है तो, और सिंपल सा लंच बना रही हूँ तो फिर क्या शेयर करना बार बार। तो और कल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में सब्जी नारियल की, कल केवल नारियल की सब्जी की रेसिपी ही शेयर करूंगी। और बस नवरात्र में ना सोच रहे हैं माता रानी का पूरा सामान ले ले, सिंगार का, उनका लहंगा चुनरी और जो भी सामान ला सकते हैं दिवाली के पहले मतलब तो ले आए, क्योंकि फिर मार्केट में इतनी भीड़ हो जाती है ना कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है, निकलना ही मुश्किल हो जाता है घर से। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके मार्केट 2-3 बार में हो आऊँ दिवाली तक, तो दिवाली के 10-12 दिन पहले से मार्केट जाना बंद कर दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि चाह कर भी नहीं जान सकते। और कानपुर का तो हाल आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि क्या रहता है मार्केट का हाल, किसी भी मार्केट में नहीं घुस सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बस, और ये ना मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी, देखिए मेरा पूरा लुक, ये देखिए मेरा पूरा लुक, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। और ये साड़ी मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपनी पसंद से, और साड़ियाँ मेरे पास बहुत है बट मैं पहनती नहीं हूँ, और अब तो थोड़ा सा मन होने लगा है तो पहनने लगी हूँ। मुझे अब सूट में बहुत उलझन होती है तो साड़ी पहन लेती हूँ जब मन होता है, तो इसी बहाने साड़ियाँ भी पिन जाएंगी। बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है आपको मेरी वाली साड़ी, और ना मुझे इस टच में ही साड़ियाँ अच्छी लगती, इसको क्या बोलते हैं, हाँ सुपर नेट के कपड़े की साड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे, और ये कोलकाता साइड बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। तो अब मैं ना करीब इसकी 3-4 साड़ियाँ खरीद चुकी हूँ इसी सुपर नेट में ही, बहुत अच्छी लगती है सुपर नेट की साड़ियाँ मुझे। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी, कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था ना, वैसे भी इन दिनों मुझे आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, आप लोग मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुश हूँ। देखिए इतने से इतना बहुत, मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप लोग कहेंगे वही बस एक कड़ा डाले रहती है, तो चेंज कर दूंगी, और सच में तहे दिल से आप लोगों का आभार कि आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हैं, और पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, और फिलहाल मेरा शुरू से ही ठीक जा रहा है जिस हिसाब से मैंने अपना, अभी मेरे 6 अक्टूबर को मेरे 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए, उस हिसाब से मेरा अच्छा जा रहा है, और जो भी जा रहा है जितना भी जैसा भी हो रहा है ना मेरा बहुत ही खुश हूँ मैं। और बस ये रहता है ना कि चलिए कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है,
और कोई अर्निंग का एक उद्देश्य नहीं है कि अर्निंग ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं सोच के किया था। बस एक खाली बैठी रहती हूँ घर में तो इधर उधर फोन पे दिन भर लगे रहो, तो उससे अच्छा है कि चलो थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर लो। क्योंकि मेरे पास देखिए हाउस हेल्पर भी है, तो मेरे झाड़ू पोछा बर्तन का काम तो मेरा वो कर ही जाती हैं, और बस किचन का ही रह जाता है। कपड़ों का भी इतना वो नहीं रहता, कभी हाथ से भी धुल लिया, कभी मशीन भी लगा लिया, तो इतना नहीं रहता। अच्छा, घर में हम तीन लोग ही हैं, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, तो काम का भी इतना प्रेशर नहीं है, तो खाली ही रहती हूँ। अभी लंच हो जाएगा तो फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और जब से यूट्यूब पे मैंने ना ब्लॉग बना के अपने डालने लगी हूँ, तो टाइम ही नहीं पता चलता है, क्योंकि जो भी शूट किया, फिर उसकी एडिटिंग किया और फिर वीडियो अपलोड करना, तो समझ लीजिए बहुत टाइम लग जाता है। तो बस किसी से बात ही नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। सब लोग यही कहते हैं कि अब तुम किसी से बात ही नहीं करती, तुम हमसे बात ही नहीं करती, बट रियलिटी यही है कि अब इतना टाइम नहीं रहता है, और मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए कुछ फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आप लोगों से, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। बस मेरे जो थोड़े बहुत मेरे व्यूज़ आते हैं और जो मेरे अच्छे से व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो वॉच करते हैं, बस मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। अर्निंग की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ में, और भगवान की दया से भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में। बस वही कहते हैं ना कि साई इतना साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई न भूखा जाए कबीरा, कोई न भूखा जाए। तो बस भगवान का दिया जितना भी है मेरे पास में, मैं बहुत खुश हूँ उसमें में उतने में। और मेरी एक आदत भी है, मुझे ना हाई फाई स्टैंडर्ड और ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या है, मेरे मन को शांति होनी चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, और बस मेरे हस्बैंड भी अच्छे से रहे, मेरा बेटा भी अच्छे से रहे, अच्छी परवरिश हो उसकी, मैं बस इसी में लगी रहती हूँ। और भगवान का दिया खैर वाकई में सब कुछ है मेरे पास में, महंगी से महंगी साड़ियाँ भी हैं, भगवान ज्वेलरी भी है, और जो चाहती हूँ ना, मतलब एक रहता है ना कि मन में भी अगर मैं सोच लूँ कि मुझे ये चाहिए तो मुझे मेरे हस्बैंड बिना कहे ला के देते हैं। तो बस मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे ना हाई स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन खैर भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ना सोच वाली बात होती है, तो वो सोच मेरी नहीं है, मेरी हाई स्टैंडर्ड वाली मेंटलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह से रहना हो, इस तरह से हो, सिंपल सी लाइफ स्टाइल, उसमें मेरे कान्हा जी और मेरे भगवान का आशीर्वाद, मेरी माता रानी और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा ससुराल मायका, और बस आप लोगों का प्यार, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बस दाल भी बन गई है और चावल चढ़ाने जा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी आज आप लोगों को ब्लॉग में, और खाना आना नहीं दिखाऊंगी आज, क्योंकि आज मुझे जाना भी है ना, तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके पहले मैं खाना निपटा लूँ, बस खाना खा पी के फटाख से घूमने चली जाऊँगी, और बस वहाँ से थोड़ी सी मार्केटिंग करके और एक लोगों के घर भी जाना है, फिर बताऊंगी आपको अगर बता सकी तो, क्योंकि देखिए किसी को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कैमरे में आने के लिए, तो सामने वाला खुशी से आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे आप लोगों से, और कल मेरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों के साथ में नारियल, कच्चे नारियल की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, और बहुत ही मतलब टेस्टी सब्जी बनती है, आप लोग भी जब बनाएंगे ना तो एक बार मुझे जरूर याद करेंगे, तो इसीलिए कह रही हूँ कल का वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। आज थोड़ा सा आप जाना ना होता ना तो मैं आज ही शेयर कर देती, तो चलिए कोई नहीं, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, ये ना थोड़ा सा इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, बाकी होना कुछ नहीं रहता है कि एक लाइक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोगों को खुशी होती है क्योंकि पूरा दिन हम लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं वीडियो में अच्छा अच्छा दिखाने के लिए,
बस ये लगता है ना कि आप लोग के लाइक और कमेंट्स से हम लोगों को खुशी होती है, हम लोगों की मेहनत सफल हो जाती है। तो चलिए फिर, बाय बाय, राधे राधे।